आईपीएल 2024 का तीसरा मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच होगा। ईडन गार्डन्स के मैदान पर होने वाला ये मैच सीजन में दोनों टीमों का पहला मैच भी होगा। दोनों टीम इस मुकाबले के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रही हैं। पिछले साल खराब प्रदर्शन के कारण केकेआर पॉइंट्स टेबल पर सातवें स्थान पर रही थी, जबकि एसआरएच आखिरी स्थान पर रही थी। इस सीजन के लिए इन दोनों ही टीमों ने अपने टीम में काफी बड़े बदलाव किए हैं। दोनों ही टीम में इस बार काफी अनुभवी खिलाड़ी शामिल हुए हैं, जिसका फायदा इस मैच के दौरान देखने को मिल सकता है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने इस बार अपनी टीम में मिचेल स्टार्क को जगह दी है, वहीं सनराइजर्स हैदराबाद ने अपनी टीम में पैट कमिंस को शामिल किया है, जो सबसे महंगा प्लेयर है। केकेआर टीम ने मिचेल स्टार्क को 24 करोड़ 75 लाख में खरीदा और हैदराबाद ने पैट कमिंस के लिए 20 करोड़ रुपए खर्च किए। केकेआर के लिए खेल चुके कमिंस को हैदराबाद ने अपना नया कप्तान भी बनाया है। इस बार खेले जा रहे आईपीएल 2024 में पैट कमिंस सनराइजर्स हैदराबाद की कमान भी संभालते नजर आएंगे। देखना यह है कि अपनी कप्तानी में पैट कमिंस अपनी टीम को मजबूती प्रदान कर पाते हैं। मैच से पहले चलिए जानते हैं दोनों टीमों के हेड टू हेड आंकड़े और संभावित प्लेइंग 11 को। दोनों टीमों के हेड टू हेड आंकड़े की बात की जाए तो इसमें केकेआर का पल्ला भारी रहा है। दोनों टीमों ने कुल 25 मैच खेले हैं, जिसमें केकेआर ने 15 मुकाबलों में बाजी मारी है। वहीं हैदराबाद ने केवल 9 मैच जीते हैं, वहीं एक मुकाबला बारिश के चलते ड्रॉ हो गया था। अब देखना यह है कि क्या केकेआर अपनी जीत की लय बरकरार रखती है। कोलकाता के ईडन गार्डन्स की पिच बल्लेबाजी के लिए स्वर्ग मानी जाती है। सपाट पिच होने के कारण इस पिच पर गेंद सही उछाल के साथ बल्ले तक पहुंचती है, जिसके कारण इस पिच की मदद अधिक बल्लेबाजों को मिलती है। वहीं समय के साथ इस पिच की मदद स्पिन गेंदबाजों को भी मिलती है। बता दें, यहाँ की पिच पर 7 मैचों में से 4 पारियां ऐसी थीं जिनमें 200 रन का आंकड़ा टूटा था। पिछले साल यहाँ सबसे कम स्कोर 149 था, जो केकेआर बनाम आरआर द्वारा बनाया गया था। इस मैदान पर टॉस जीतने वाली टीम पहले बल्लेबाजी करना अधिक पसंद करेगी। इस मैदान पर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 4 मैच जीते हैं, वहीं लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम ने 3 मैच जीता है। कोलकाता नाइट राइडर्स की संभावित प्लेइंग 11 में वेंकटेश अय्यर, विकेट कीपर फिल साल्ट, कप्तान सुरेश अय्यर, नीतीश राणा, रिंकू सिंह, आंद्रे रसेल, रमनदीप सिंह, सुनील नरेन, मिशेल स्टार्क, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती। सनराइजर्स हैदराबाद की संभावित प्लेइंग 11 में मयंक अग्रवाल, ट्रेविस हेड, राहुल त्रिपाठी, एडन मार्करम, विकेट कीपर हेनरिक क्लासेन, अब्दुल समद, वॉशिंगटन सुंदर, कप्तान पैट कमिंस, भुवनेश्वर कुमार, मयंक मार्कंडे, उमरान मलिक। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस मैच में कौन जीतेगा? कमेंट में जरूर बताएं।